यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कुछ टेस्टों के लिए आपके लिए एडवाइस कर देते हैं कि आप ये टेस्ट कराइए आप, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता है कि ये टेस्ट किस लिए लिखे हैं, डॉक्टर ने क्यों करा रहे हैं, डॉक्टर इसका मतलब क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं में से एक मैं जो टेस्ट बता रहा हूँ, जो टॉर्च टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ कि टॉर्च जो टेस्ट होता है आप कैसे समझ सकते हैं कि किस लिए कराया जाता है, और ये जो टॉर्च टेस्ट होता क्या है, और डॉक्टर इसके लिए क्यों एडवाइस करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। सबसे बड़ा सवाल है कि टॉर्च टेस्ट है क्या। जो टॉर्च टेस्ट है ना वो कई डिजीज़ों को मिलाकर एक नाम दिया गया, जैसे शॉर्ट नेम बोलते हैं या संक्षिप्त नाम बोलते हैं, जैसे टी से टॉक्सोप्लाज्मा, और से अदर डिजीज में आ जाती हैं आपकी HIV, मीजल्स, सिफिलिस, ये सभी डिजीज इसमें आ जाती हैं, और आर से आ जाता है रुबेला, और सी से आ जाता है आपके साइटोमेगाला वायरस, और एस से आ जाता है आपका हर्पीज। ये जो पाँच डिजीज है ना, ये पाँचों डिजीज से ये मिलाकर एक नाम दिया गया है जिसको टॉर्च नाम, टॉर्च डिसीज या टॉर्च जो टेस्ट होता है उसका नाम दिया गया है। ये एक स्क्रीन टेस्ट होता है जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए किया जाता है। यदि इन जो टॉर्च टेस्ट होता है ना, इन टॉर्च टेस्ट में जितनी भी डिसीज होती हैं उन डिसीजों में कोई बीमारी या डिसीज होती है तो उन डिसीजों के हिसाब से उस डिसीज का इलाज किया जाता है, ताकि जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनके जो बच्चा होता है उनमें किसी तरह की कोई वायरस की प्रॉब्लम ना हो, कोई डिसीज ना पाए जाए। यदि कोई कुछ कोई भी डिसीज होती है तो उसी समय उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर टॉर्च टेस्ट के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कब एडवाइस करती है, यदि प्रेग्नेंट महिला जो 1.5 से 3 महीने के लिए पहले सोनोग्राफी होती है उसमें अगर किसी तरह का बच्चे में इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर साइटोमेगालो वायरस या टॉक्सोप्लाज्मा एंटीबॉडी देखने के लिए डॉक्टर टॉर्च टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं कि उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि प्रेग्नेंट महिला में 3 माह के अंदर बुखार आता है, फीवर आता है या फिर किसी प्रकार के रेसेस होते हैं तो डॉक्टर तब भी टॉर्च टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं कि उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। टॉर्च जो टेस्ट होता है उसमें देख लेते हैं किसी तरह का वायरस तो नहीं है, इसलिए भी डॉक्टर उसके लिए टेस्ट टॉर्च टू टेस्ट कराते हैं। गर्भावस्था के अलावा भी डॉक्टर टॉर्च टेस्ट को कराना पसंद करते हैं। यदि महिलाओं में किसी तरह का मिसक्रेज हो रहा है, बार बार जो गर्भ होता है वो गिर रहा है या फिर बन नहीं पा रहा है, या 1.5-2 महीने के अंदर ही ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस कंडीशन में या फिर बच्चे की हार्ट बीट नहीं बन आती है या किसी तरह का मिसक्रेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर टॉर्च टेस्ट को कराना पसंद करते हैं। तो डॉक्टर आपके लिए टॉर्च टेस्ट लिखते हैं तो आप घबराइए नहीं, इस चीज़ को समझिए, डॉक्टर से बात करिए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन आता है तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वो लोगों को भी इस टॉर्च टेस्ट के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।